बहुत बहुत स्वागत है आपका चौथे डेरिवेशन में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और देखते जाना एक एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो बेसिकली इस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला को डिराइव करने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा तरीका है कि यार जो कैपेसिटर है जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, तो पहली बात तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई क्यों, क्योंकि कैपेसिटर पे एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज है, तो जो एनर्जी आएगी वो जो प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हुए हैं वो ऑटोमेटिक तो क्रिएट हुए नहीं होंगे, किसी को करना पड़ा होगा, किसी को चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ा होगा एक प्लेट से लेके दूसरी प्लेट तक। वो काम कौन करेगा, गेस करो वो काम कौन करेगा, जी हाँ बैटरी, बैटरी वो काम करेगी। तो बैटरी ने अपनी कुछ एनर्जी स्पेंड की होगी और उसी का कुछ एक हिस्सा स्टोर हुआ होगा कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि मैं एक छोटा सा चार्ज DQ लेके चलता हूँ एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो छोटा सा चार्ज जब DQ लेके जाएगी बैटरी, तो बैटरी छोटा सा वर्क करेगी DQ इंटू V, ऐसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैटरी कितना वर्क करेगी DQ इंटू V। V क्या है, V है किसी टाइम T पे पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स, जो उन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है किसी टाइम T पे वो कितना है V, जो कि समय के साथ बढ़ेगा। तो मैं किसी टाइम T पे चार्ज DQ लेके गया, जब उनके बीच में पोटेंशियल था V, तो बैटरी ने जो वर्क किया दैट इज़ DQ इंटू V। अब मैं DQ की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूँ, बेसिकली V की वैल्यू रखूँ किसी टाइम T पे, तो मुझे फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू C इंटू V या C इक्वल्स टू Q बाई V। तो V का जो वैल्यू है मैं उसको लिख सकता हूँ यहाँ पे Q बाई C। V की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, Q बाई C, जहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज ऑन दी कैपेसिटर प्लेट एंड C है कैपेसिटेंस। ये सब कब की बात हो रही है, जब टाइम T की, मैं जब मैं ये DQ चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो DW हो गया छोटा सा वर्क जो DQ चार्ज को ट्रांसफर किया गया पॉजिटिव प्लेस से नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेस से पॉजिटिव प्लेट, दैट इज Q बाई C डॉट DQ इंटू DQ, बेसिकली प्रोडक्ट है दोनों का। तो यहाँ से टोटल वर्क हमें निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क के लिए मैंने इंटीग्रेट किया, तो पहला जो चार्ज था कितना चार्ज था इनिशियली 0, बाद में चार्ज कितना हुआ Q0, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला डिराइव होकर Q बाई C डॉट DQ जो हमने किया, तो Q का इंटीग्रेशन हो गया Q² / 2 और वैल्यू निकल के आई Q0² / 2C। तो इतना वर्क हमने किया है क्या करने में, इतना वर्क हमने किया है इसका यहां से चार्ज पार्टिकल को उठाने में और ये चार्ज पार्टिकल को वहां पे प्लेस करने में। और ये वर्क जाके किस फॉर्म में स्टोर हुआ है, ये वर्क स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला Q0² / 2C। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, जो कि वन ऑफ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का है। इसके बाद अगर आप Q की वैल्यू रखेंगे C और V के टर्म्स में, तो फॉर्मूला बन जाता है ½CV02। और अगर आप Q की बजाय C की वैल्यू रख देंगे Q और V के टर्म्स में, तो फॉर्मूला बन जाता है ½Q0V0। तो ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजेबल है, इसमें से कोई भी एक याद अगर आपको रह गया, बाकी Q = CV अगर आपको पता है, तो किसी और पे जाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो यार ये एनर्जी स्टोर कितने एरिया में हुई है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर अपॉन वॉल्यूम, तो कितने एरिया में एनर्जी स्टोर हुई, भाई प्लेट का एरिया A है, प्लेट के बीच की गैप D है, तो टोटल एरिया जिसमें ये स्टोर हुई दैट इज A × D। टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, ½CV², कितने वॉल्यूम में स्टोर हुई है, दैट इज A × D। सी की वैल्यू यहां पे पुट करें एप्सिलॉन A/D, तो कुछ कैंसिल आउट वगैरह होंगे और फाइनली जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी ½ε₀E² ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, V/D या σ/ε₀। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने बीच में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाया है, तो जहां पे ε₀ लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, चुपचाप K, और कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला, और ये दोनों न्यूमेरिकल, ये दोनों डेरिवेशन जो मैंने आपके लिए किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको यथावत एज इट इज आप रेड डालिए, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।